मैंने सुनाई थी वो कहानी कि एक भिखारी ने चाहा कि मैं राजा बनूं, मुझे राजा बनना है। उसने क्या करा महाराज, अपनी भीख के धंधे को वेग दे दिया, क्योंकि अमीर बनना था, अमीर बन के राजा बनना था। उसे पता ही नहीं भीख मांग के कभी कोई राजा नहीं बनता। वो सुबह 9 बजे निकलता था भीख मांगने को, अब वो 4 बजे वहीं अपना बिछा देता था। शाम को घर जाता था, उसने पास में ही वहीं छोटी सी झोपड़ी लगा दी, घर जाना बंद कर दिया। प्रभात को 4 बजे वो अपना फटा टूटा बोरा बिस्तर बिछा कर बैठ जाता था। कुछ डालते जाओ, गरीब हूँ, अनाथ हूँ, असहाय हूँ, कुछ दया करो, कुछ दया करो। लोग यात्री डालते थे कोई रुपया, पैसा, 2 पैसा, जो भिखारी को दिया जाता। सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक। कभी कभी तो चालू सपने में झोंके में भी भीख मांग लेता था, मतलब बिना ओवर टाइम के काम करता था। 2400 घंटे पर करीब करीब वो करता था। जब 20 घंटे जो काम करता है ना आदमी, तो 4 घंटे वही काम हो जाता है। फिर अगर घसघसाहट नींद नहीं आती तो सपने में भी वो हो जाता है। वो भिखारी ने कई अधेलियां, कई चवनियां, कई ढबूड़ियां इकट्ठी की, एकाएक काल उसको झपेट गया। मृत्यु कब आती है, कहाँ आती, उसका कोई ठिकाना नहीं। वो मर गया। मर गया तो समाज के लोगों ने देखा कि अब ये रास्ते पर मरा हुआ है। कोई सुधार सभा वाले ले गए, उनके अग्नि संस्कार कर दिया, ये झुपड़ा पड़ा है उसको उखेड़ दे। साफ सफाई करे तो देखा कुछ परचूरण पड़ी है, अंदर ठिकरे विकरे पड़े हैं, वो सब बहा दिए। जरा रास्ता ठीक ठाक कर तो खोद काम किया थोड़ा, अंदर से बोदा बोदा आवाज आया। और खुदाई की तो हो, किसी जमाने के किसी सम्राट के सुवर्ण के चरुओं में हीरे जवाहरात गड़े हुए थे। वो अभागा जिंदगी भर वहां रहा, जिंदगी भर उन चरुओं पर, उन हीरे जवाहरात के खजाने पर भीख मांगता रहा। वो जरा सा खोदता तो इतनी भीख मांगने में जो नहीं मिला उससे ज्यादा मिलता उसे। जिंदगी भर भीख मांगते 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 मर गया। धन के खजानों पे बैठ के उसने भीख मांगी। ऐसे ही ये जीव आनंद के खजाने, सुख के खजाने पे बैठ के बाहर के सुखों की भीख मांग रहा है। अब थोड़ा सा खुदाई कर दे, उस भिखारी को तो समझाने वाला कोई नहीं मिला होगा, तुम्हें तो समझाने वाला मिला है। कभी कभी एकांत में थोड़ी खुदाई करो, थोड़ी विश्रांति पाओ, फिर देखो तुम्हारे पास कितना खजाना है। अभी तुम नाक रगड़ते रहते हो, फलाना देव बड़ा है, फलाना देव बड़ा, फलाना ये, फलाना वो। तुम जब गहरी यात्रा करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि बुद्ध और महावीर, कृष्ण और कबीर और क्राइस्ट मुझी चैतन्य से स्फुरित हुए। ऐसे कई अवतार पैदा हो के लीन हो गए, वो मेरा आत्मा विशाल अब भी तुम्हारे पास मौजूद है। और उन महापुरुषों ने भी वही अनुभव किया था, इसलिए वे महापुरुष हो गए। इस विषय में कोई कोई विरला संत हिम्मत करके अपने अनुभव को व्यक्त करता है। जो तत्वदर्शी है वो तो तत्व के आनंद में, तत्व की विश्रांति में तल्लीन हो जाता है। उसके पास समझाने की क्षमताएं, समझाने के साधन कम होते हैं, नहीं होते। कईयों के पास समझाने के साधन बहुत होते हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, लेकिन उनके अनुभव से नहीं आता, इसलिए साधक के संशय दूर नहीं होता और साधक को शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि सहित जाकर प्रणिपात होकर उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
जो भली भांति जानते हैं और बता सकते हैं, कईयों के पास अनुभव है तो वाचा नहीं है, कईयों के पास वाचा है तो अनुभव नहीं है। कोई विरले होते हैं जिनके पास समझाने की क्षमता भी होती और अपना अनुभव भी होता है। तो समझाने की क्षमता और अनुभव, ये दो जहां पाए जाएं, ऐसे गुरु चाहे 12 कोस दूर रहते हों, चाहे 12,000 कोस दूर रहते हों, फिर भी कल्याण कांक्षी को वहां पहुंच जाना चाहिए। विवेकानंद कहते थे कि मैंने साधनाएं की, उन साधनाओं से क्या मिलता मैं जानता हूं, और ज्ञानवान महापुरुष की दृष्टि पढ़ने मात्र से कितना लाभ होता है मैं जानता हूं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि गंगा शीतल है लेकिन वो शरीर की तपत मिटाती है, ज्ञानवान की दृष्टि से हृदय की तपन मिटने लगती। चंद्रमा शीतल है लेकिन मृदु शीतल है, वो हृदय की तपत नहीं मिटाता, लेकिन ज्ञानवान का निगाह, उपदेश, वचन, सानिध्य हृदय की तपत मिटा देता है। चिंतामणि बड़े पुण्यों से मिलती है और जो चिंतन करो वो चीज मिलती है, लेकिन ज्ञानवान के सानिध्य में जो चिंतन करो वो नहीं, लेकिन जिसमें कल्याण होगा वही हमारा कल्याण का कार्य चिंतन फलित हो जाएगा। ज्ञानी के चरणों में बैठकर जो लोग बाधा करते हैं या जैसा चिंतन करते हैं तो उनके कल्याण का होगा तो उनका चिंतन फलित हो जाएगा। ज्ञानी की हाजिरी में जो श्रद्धा भक्ति से कुछ चिंतन करते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती। ऐसा जिनको अनुभव हुआ हो हाथ ऊपर करेंगे, ले होलसेल। फिर एक एक बात पूछ के सिर खपाना ये भी तो अच्छा नहीं। जय राम जी की ओम ओम ओम। तो जब हम अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप परमात्मा के करीब होते हैं मन में अद्भुत संकल्प सामर्थ्य होता है, प्रकृति अपना नियम बदलने को तत्पर हो जाती है। आपके पास अद्भुत खजाना है जिसका वर्णन करना असंभव है। उस रहस्य को पाने के लिए सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा राजा जनक ज्ञानी है। हालांकि ज्ञानी तो वेद व्यास जी भी थे लेकिन पिता पुत्र का संबंध था, श्रद्धा नहीं हो रही थी वचनों में। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। चलो मुझ में श्रद्धा नहीं होती तो चल कोई बात नहीं, जनक में ही हो जाए, जनक भी तो ब्रह्मवेत्ता है। सुखदेव जी को अपने पिता वेदव्यास जी भगवान ने कहा कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं ज्ञातज्ञ नहीं हूं, वो जनक राजा ज्ञातज्ञ है। सुखदेव जी जनक के द्वार पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। जनक को खबर कि जनक ने देखा कि वो वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव है, पिता के वचनों में नहीं लगी श्रद्धा तो इधर कैसे लगेगी, जरा कस जाने दो, जरा भूख लगती ना, भूख उगड़े पची जे खाओ पची जाए, और बिना भूख के जो खाया जाता ना वो फिर पचता नहीं जल्दी से और जल्दी रुचि भी नहीं होती। 7 दिन दरवाजे पे खड़ा कर दिया, पूछा कि ज्ञान की भूख होगी तो ठहरा होगा नहीं तो भाग जाएगा। अनासक्त वातावरण में अगर संसार की आसक्ति वाला भी आ जाता है तो उसकी संसार की तो थोड़ी बहुत गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन उसके जीवन में भी अनासक्ति के किरण फूटने लगते हैं, क्योंकि श्वासोश्वास वाइब्रेशन वातावरण का असर उनको भी होता है। राज सुखदेव जी 7 दिन बैठ खड़े रहे, फिर अंतःपुर में लाए गए। जनक ने पूछ कहा कि अंतःपुर में से खूब भोग भोगाओ। महाराज सुंदरियां उनकी चाकरी करे, चमर डुलावे, हास्य विलास करे, बड़े आकर्षण का व्यवहार करे, लेकिन सुखदेव जी उनके आकर्षण से नफरत भी न करे और उनके आकर्षण का शिकार भी न बने। उनको तो बस ज्ञान पाना है। 7 दिन हो गए, जनक ने पूछा भाग गए कि हैं? बोले महाराज वो हैं। कैसा, विषयों में गिरे हैं या विषयों से नफरत है? बोले उनको नफरत भी नहीं है और राग भी नहीं। नफरत एक हिस्सा है तो राग दूसरा हिस्सा है। उनका तो लक्ष्य परमात्मा है, इसलिए राग और द्वेष उनके लिए दोनों तुच्छ हो गए।
पकड़ना भी एक है और छोड़ना भी, तो छोड़ने के लिए भी बाहर आना है, पकड़ने के लिए भी बाहर आना है। उनको तो अपने लक्ष्य से बाहर आना ही नहीं, ऐसे हैं वो। महाराज दूसरे 7 दिन बीते, 7 दिन उन्हें अंदर लाए गए। उन 21 दिन जब हुए तब जनक ने मुलाकात दी, पूछा कि कैसे आना हुआ, केम आया छो। 21 दिन के इंतजार के बाद जनक की मुलाकात हुई है। सुखदेव जी फरियाद नहीं करते कि 21 दाड़ा थी गया अन तमे आज दर्शन केम आप्या, फिर भी सौदा सस्ता है। अरे 21 जन्मों के बाद भी तत्ववेताओं की रहमत मिल जाए तब भी सौदा सस्ता है। 21 जन्मों के बाद भी न जाने करोड़ों जन्मों के से हम भटकते आए, ये ज्ञान की महिमा अपरंपार है। इसलिए शास्त्र ने ज्ञानी के लिए बहुवचन का उपयोग किया है। जैसे तू बोलते ना छोटे को और बड़ों को आप बोलते हैं, ऐसे कृष्ण ज्ञानियों को आदर से बोलते हैं। भागवत में एक श्लोक आया कि ऐसे ज्ञानियों के पीछे पीछे मैं घूमता हूं ताकि उनकी चरण रज मुझे लग जाए और मैं विशेष पवित्र हो जाऊं, ऐसा भी एक श्लोक है भागवत में। बोलते उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः, बहुवचन है तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी, तत्व का अनुभव था और ज्ञान में बयान करने की युक्ति थी जनक को। सुखदेव जी महाराज के शंकाएं समाधान, साध्य और साधक की दूरी मिटा दी।